आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। सामाजिक संस्था वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रथम दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय राइड में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी दिग्विजय सिंह का स्वागत सम्मान कर उन्हें इस प्रतियोगिता राइड फॉर यूनिटी, जो कि 22 नवंबर से नई दिल्ली से शुरू होकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक होगी, इस दिव्यांग राइड के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। मुझको तो इस बारे में परसों ही पता लगा कि ऐसे ऐसे हमारे उत्तराखंड से जो रुड़की इनका गांव है, वहां के दिग्विजय जी जो है इंटरनेशनल दिव्यांग राइड में भागीदारी लेना चाह रहे हैं और भागीदारी लेना चाह रहे हैं, बट किसी भी चीज़ में भागीदारी लेने के लिए आजकल सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपका यही वो कहना था कि मुझको अगर इंटरनेशनल उसमें भागीदारी लेनी है और काठमांडू जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है फिर काठमांडू जाना है, तो उसके लिए मन तो कर रहा है मगर धन की कमी है। तो मैंने कहा इसके लिए हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारी वेलफेयर सोसाइटी जो है खड़ी रहेगी। और परसों ही पता लगा और आज इतना कुछ हम भीड़ वगैरह करने का इसमें मकसद भी नहीं था हमारा, हमारा सिर्फ ये मैसेज जाने देने का एक वो उद्देश्य था कि हमारी सोसाइटी द्वारा इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम 24 घंटे इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा दिग्विजय का प्रयास है और जैसा कि अभी नोटियाल जी ने बताया कि वीरभद्र हमारी जो सोसाइटी है, हमारे माध्यम से हम दिग्विजय जी का अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और जैसा कि इन्होंने एक मन बनाया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राइड पर जा रहे हैं, इनके साथ इनके 4 साथी और हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा से, तो इन सभी का एक दल है और इनका जो मुख्य उद्देश्य जो है इस यात्रा का, उस यात्रा में जहाँ पर भी इनके पड़ाव आएंगे उसमें इनको जो इन्होंने सोचा है कि जो एक्सेसिबल जहाँ पर कि दिव्यांग लोग सुगमता से आसानी से अपने आप में जा सके, उस संदेश को ये लेकर जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे समाज में और हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन हैं, जितने भी लोग हैं वो इस संदेश को लेकर कि दिव्यांग लोगों को अपने आप में आत्मनिर्भर बनने के लिए सुगम्य संसाधनों का, सुगम्य तकनीकी का, जैसे कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि दिव्यांग लोग आप देखेंगे कि एक पैर नहीं है, एक पैर ना होने के कारण नकली पैर लगा के हिमालय पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही इनका भी उद्देश्य है, मैं इनको बहुत बहुत अपनी सोसाइटी की ओर से, अपनी संस्था की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। उद्देश्य ये है कि हम जितने भी हमारे दिव्यांग हैं हमारे उत्तराखंड के, उनको मुख्य धारा में लाना, उनके हित के लिए काम करना, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के बहुत ही होनहार मोटर स्पोर्ट्स के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं श्री दिग्विजय सिंह जी, वो एक भारत की पहली इंटरनेशनल डिसेबल राइड के लिए 22 तारीख को रवाना होंगे। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का माध्यम, मतलब ये मुख्य कारण ये था कि इनका सम्मान होना था हमारी संस्था के माध्यम से। और जैसा कि संसाधनों की कमी थी दिग्विजय भाई के साथ, तो इन्होंने हमें सूचना दी कि मतलब हमें हमारे संज्ञान में आया हमारी सोसाइटी के, तो हमारी सोसाइटी के माध्यम से, क्योंकि इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था और हमारा एक छोटी सी जो हमारी एक सहयोग था इनके लिए वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड बना रहे हैं और देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं, अपने राज्य का नाम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमें इनका साथ देना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आज मुख्य उद्देश्य यही था कि दिग्विजय सिंह जी का यहाँ पर हमने स्वागत करना था, क्योंकि 22 को नई दिल्ली से ये यात्रा पर निकलेंगे और 25 को आप पहुँचेंगे काठमांडू।
और 1 तारीख तक फिर वापसी होगी न्यू दिल्ली। बहुत डिफ़िकल्ट राइड है, चैलेंजेस हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देती हूं अपनी संस्था के माध्यम से कि इस बार भी ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमारे देश और हमारे राज्य के लिए बनाएंगे। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। अंतर्राष्ट्रीय ऑन रिकॉर्ड राइड है, अंतर्राष्ट्रीय ऑन रिकॉर्ड पहली भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय राइड है जो विषम परिस्थितियों में दिव्यांगों द्वारा की जा रही है अपने अधिकारों के लिए और अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के प्रचार के लिए। और इसे हम लोग इंडिया गेट से शुरू करेंगे और नेपाल की राजधानी काठमांडू तक हम इसे लेके जाएंगे, फिर वापस वहाँ से इंडिया गेट तक। हाँ, इससे पहले तो मैं बहुत सारी राइड कर चुका हूँ और उनमें से मुख्यतः एक दिल्ली से मुंबई वापस फिर दिल्ली है, 3500 किलोमीटर की यात्रा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गई है। देखिए, मेरे पास ज़्यादा अब की बार कुछ खास नहीं है क्योंकि ये प्रपोजल बड़ी जल्दी तैयार हुआ है और अभी तक मेरे पास वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का ही सहयोग है। बाकी कुछ संस्थाएं हमें मतलब ओरल में सपोर्ट करने के लिए आ रही है, बाकी जो एक बेसिकली सपोर्ट है, आर्थिक सपोर्ट है, जो वो केवल वेलफेयर सोसाइटी का ही है, वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का अभी तक।